बिसम रहीम पानी के बगैर अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी जगह पर पौधे लगाएँगे और फिर वो दरख्त बन जाएंगे ये नामुमकिन है ये झूठ है ये कभी हो ही नहीं सकता इस मौसम के अंदर मेरा कहना ये है कि पाँच साल तक हमें पौधों को संभालना पड़ेगा इससे पहले दो से तीन साल तक पौधों को पानी दिया जाता था और उससे वो दरख्त बनते थे तो इस टाइम में लोकोशेड पाकपतन पर खड़ा हूँ यहाँ पर हम 10 लाख पौधा कार्बन डेवलपमेंट फाउंडेशन के तामन से तैयार कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर हमारे जंगल और बाग हैं और इसके अलावा जो पौधे हम पत्तों की से ट्रकों के ट्रक ख़रीद के लाते हैं वो पाक पतन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर नहरों के ऊपर जंगल के अंदर स्कूलों के अंदर हॉस्पिटल के अंदर सड़कों के ऊपर और शहर के अंदर देहातों के अंदर हम जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिलता है कि जहाँ पर पौधा लग के वो परवान चढ़ जाएगा तो वहाँ पर हम उसकी शजरकारी करते हैं हम पौधे बांटते नहीं हैं हम पौधे किसी भी जगह पर लगाते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि उसको पानी कौन देगा वो किस तरीके से परवान चढ़ेगा जानवरों से कैसे बचेगा और यही हमारी पाकिस्तान के अंदर कामयाबी है कि हम पौधा लगा कर बनाते हैं तो ये जो दूसरा बोर है हमारा इससे पहले हम एक दो इंच का जो है वो बोर हमारा सोलर वाला चल रहा है लेकिन हमारे अब पानी कम हो गया था दो इंच का क्योंकि दस लाख पौधों की तैयारी जो हमारे जंगल और बागात लगे हुए हैं उन तमाम पौधों को पानी लगाना और उसके अलावा जो हज़ारों पौधे हमारे पास पत्तों की से आते हैं उन पौधों को पानी देना ये कम हो गया था तो इसलिए अभी हम दूसरा ये बोर कर रहे हैं और ये हमारे दोस्त हैं आरफ वाला से उन्होंने कहा कि जी कि मेरा नाम नहीं लेना है अल्लाह रबुल्ज़त उनको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए उनके कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए उनके घर वालों को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए तो ये उनकी तरफ से हमें बोर और इसकी जो केसिंग है उसका जो है तोहफ़ा वो इन तरफ से हमें मिला है इसके अलावा हम इसी जगह पर ऊपर सोलर लगाएंगे यहाँ पर ये पहले लगा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ जो इससे पहले हमारा वो जो बोर हुआ हुआ है वो यहाँ पे हुआ हुआ, हुआ है ये जो कबर बनी हुई है ना इसके अंदर हमारा सब मर्सीबल पम्प है लगा हुआ और ये इधर कंट्रोलर है और इसका जो पानी है वो इस टाइम साया आने की वजह से अब तकरीबन बंद हो चुका है ये यहाँ पे निकलता है तो ये सारा एरिया जो है इस एरिए के अंदर हमारे पास पौधे ही पौधे पड़े हुए हैं उसके अलावा ये जो पौधे लगे हुए हैं इनको पानी देना होता है तो पानी की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने अपने उस दोस्त से मशवरा किया और उन्होंने कहा जी कि ठीक है आपको जो ज़रूरत है बोर और केसिंग की वो हम आपको देंगे तो ये तकरीबन सत्तर अस्सी हज़ार रुपए का ये काम है उसके बाद बाकी प्लेटें और मोटर और तार और बाकी जितने मामला हैं वो अलग हैं तो वो मैंने उन्हें नहीं कहे अभी तक क्योंकि हमारे पास एक मोटर पड़ी हुई है उसका कुछ एक हिस्सा जला हुआ है तो उसको हम ठीक करवाएंगे वो देखेंगे अगर वो लग सकती है तो वो लगाएंगे तो ये सारे जो पौधे हैं इन पौधों को पानी देना होता है इसके अलावा ये यहाँ पर पौधे पड़े हुए हैं उस एरिए में जंगल है और ये पीछे इस साइड में बाग है तो वो पानी सब को देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो आप सब दोस्तों का आ, कोई राय हो कि किस तरीके से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि आपकी राय के नतीजे में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पौधों को प्रवान भी चढ़ा सकें और पौधे तैयार भी कर सकें और तकसीमे कार भी का कोई अगर अच्छी हदायत हो तो, तो उसके मुताबिक कर सकें तो ये टोटल जो पौधे हैं ये इन्हें हमें दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना पड़ता है ये सारा पौधा हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है खाली यही नहीं पड़ा हुआ है इस एरिया में भी पौधा है हमारे पास और ये हमारा बाग है जी ये इस एरिया में पूरे पौधे लगे हुए हैं ये बाग है और माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इसके ऊपर फल कितना ज़्यादा आ चुका है लेकिन वो परिंदे खा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि परिंदे हमारे इस फल पर आ रहे हैं और इसको खा रहे हैं तो ये पूरे एरिया में ये बाग लगा हुआ है